देश के मशहूर प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर ने अपने छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निबंध लिखने की प्रतियोगिता में भाग लेने को कहा है। रिपोर्ट के माने तो सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज ने एक निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की है, जिसका विषय है पीएम मोदी ने कैसे भारत के वैश्विक संबंधों को मजबूत किया। IIT खड़गपुर ने अपने स्टूडेंट्स को इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने को कहा है। एक अधिकारी ने यह हवाला देते हुए कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से एक सर्कुलर प्राप्त होने के बाद छात्रों से ऐसा करने को कहा गया। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स जिमखाना के एक ईमेल में संस्थान के निदेशक ने खुद छात्रों को पूरे जोश के साथ इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि वो इसमें पहला पुरस्कार हासिल कर सकें। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज की माने तो ये एक स्वतंत्र ट्रस्ट है, जिसका एक उद्देश्य नरेंद्र मोदी के जीवन, विचारों और उनके अचीवमेंट्स के विषय पर प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करना है। ट्रस्ट द्वारा पिछले महीने इस अखिल भारतीय निबंध लेखन प्रतियोगिता की घोषणा की गई थी, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने वाले विजेताओं के लिए 10,000 रुपए, 7,500 रुपए और 5,000 रुपए के पुरस्कार की पेशकश की गई है। और ये भी कहा गया है कि ये 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद इसमें चीफ गेस्ट होंगे। पीएम मोदी ने दुनिया भर के देशों के साथ मिलकर काम किया है, जिससे विश्व स्तर पर भारत के रिश्ते भी काफी सुधर चुके हैं। CNMS की घोषणा के आगे कहा गया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बिजनेस और कल्चरल रिलेशनशिप के साथ साथ पॉलिटिकल साझेदारी भी मजबूत हुई है। पीएम मोदी के कार्यों ने भारत को विश्व स्तर पर काफी ज्यादा प्रभावशाली बना दिया। नेशंस के बीच शांति और समृद्धि को बढ़ावा मिला है। CNMS के अध्यक्ष जसीम मोहम्मद ने बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पर उन्हें लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्स नहीं है, बल्कि एक विचार का नाम है, एक विचारधारा है। CNMS जिसमें कि केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस साल की शुरुआत में आपातकालीन की वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में चीफ गेस्ट थे। पिछले साल भी एक ऐसे कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया गया था। गौरतलब है कि पिछले साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस ने स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह के लाइव प्रसारण में हिस्सा लेना कंपलसरी कर दिया था, क्योंकि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर खुद प्रधानमंत्री मोदी शामिल होने वाले थे। यही नहीं, बल्कि हिंदू कॉलेज ने छात्रों को उनकी अटेंडेंस के बदले में 5 और दिनों की अटेंडेंस के पॉइंट देने की पेशकश तक की थी।